आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि रामवीर सिंह भदौड़ी और रामवीर सिंह भदौड़ी के परिवार का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ने वाला है, ये मेरी कमिटमेंट है, आपके इस चैनल पे बोल रहा हूँ। सर, एक तरफ नोएडा है जहाँ पे योगी सरकार है, एक तरफ हरियाणा जहाँ पे खट्टर सरकार, बीच में कालिंदी कुंज से लेके मीठापुर का जो एरिया है यहाँ पे दिल्ली की सरकार है, और यहाँ पे तीन पुल है आगरा कैनाल में, लेकिन तीनों में से दो पुलों पे दरार आ चुकी है, सिंचाई विभाग के नोटिस लग चुके हैं कि पुलों पर वाहनों का प्रवेश वर्जित है, उसके बावजूद भी वाहन इस पर जा रहे हैं। एक लोहिया पुल है जिसकी हालत बहुत ही जर्जर है, बहुत ही ख़राब है, और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है, क्या कहेंगे इसको? या तो क्षेत्रवासियों का दुर्भाग्य है या दिल्ली सरकार की नाकामी। देखिए, रामवीर सिंह भदौड़ी जब इस इलाके से विधायक था तो आगरा कैनाल के ऊपर भी और गुड़गांव कैनाल के ऊपर मैंने पुल बनाया था, और पैसा हमने दिल्ली सरकार से दिलवाया था, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने गुड़गांव कैनाल के ऊपर पुल बनाया था, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो जो ये जो अपनी कैनाल है आगरा कैनाल उसके ऊपर बनाया था। तो पैसा जो है वो दिल्ली की सरकार देगी, जो पुल जो उनको ख़तरनाक घोषित कर दिया गया है, तो नरेंद्र शर्मा जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार से पैसा दिलवाएं, और उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये पुल बना देगी, ये पैसा दिलवाते नहीं हैं तो पुल कहाँ से बनेंगे। अब आप बगल में जाके देखिए ना, श्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, उन्होंने गुड़गांव कैनाल के ऊपर भी पुल बनाया है, उन्होंने आपके आगरा कैनाल के ऊपर भी पुल बनाया है, उन्होंने इसके बाद ये आप जाइए ना श्री शुक्ला के शुक्ला जी का एरिया है जैतपुर पार्ट टू, वहाँ उन्होंने ड्रेन के ऊपर पुल बनवाया है। हाँ, हरियाणा सरकार जो है, हरियाणा सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बनवा सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश को सरकार को हरियाणा सरकार से पैसा दिलवा के अपने क्षेत्रों में वो आगरा कैनाल हो चाहे गुड़गांव कैनाल हो चाहे कोई ड्रेन हो उसके ऊपर पुल बनवा सकते हैं। लेकिन नरेंद्र शर्मा जो है वो अभी तक अपनी सरकार से एक पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दिलवा पाया, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? दिल्ली में तो उनकी सरकार है, और आप केवल पुल की क्यों बात करते हो? आप बताइए ना, ये नरेंद्र शर्मा आपके चैनल के ऊपर बोल रहे थे कि हमने मेट्रो रेल पास करवा दी है, और एक मेट्रो स्टेशन बनेगा मीठापुर चौक पर, एक बनेगा अर्पण विहार में। ये नरेंद्र शर्मा ने आपके चैनल पे इंटरव्यू नहीं दिया क्या? मेरे पास आज भी है, एक नहीं सभी चैनल्स पे दिया। तो आप मुझे बताइए ना, कहाँ है, कहाँ मेट्रो? कहीं चौथे फेज में जैतपुर तक मेट्रो चलाने की ना दिल्ली सरकार की कोई योजना है, ना कोई योजना बनी, और ना कोई योजना है, और भविष्य में जैतपुर तक मेट्रो नहीं चलेगी, ऐसा जवाब दिल्ली के सरकार ने और मेट्रो ने दिया है। पूछे इनसे, मेरे इलाके मेरे समय में मैंने पूरे क्षेत्र में डीटीसी की बसें चलाई हुई थी, आज इसके इनके विधायक बनने के बाद सारी डीटीसी की बसें बंद हो गई। क्यों बंद हो गई पूछे ना, ये चार साल में क्या एक डीटीसी की बस चला पाए? जो मैंने चलाई थी उनको भी इन्होंने बंद कर दिया, पूरा क्षेत्र इन्होंने बर्बाद कर दिया। और ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ख़राब है, जो मैं गंगाजल इलाके के लिए लेकर आया वो गंगाजल की सप्लाई में कटौती हो गई, लोग आज गंगाजल में जो है वो आज नलकूप का पानी मिलाया जा रहा है, वो लोगों को पिलाया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब हो गई, गरीब आदमी मकान बनाता है तो उसमें लाखों रुपया उनको रिश्वत के रूप में देना पड़ता है, और उसके बाद फिर उनके मकान सील भी होते हैं, तोड़े भी जाते हैं। ये नरेंद्र शर्मा के समय में हो रहा है। रामवीर सिंह भदौड़ी यहाँ से विधायक था, मेरी कभी दिल्ली में सरकार नहीं थी, मेरी कभी केंद्र में सरकार नहीं थी। मैं 93 में विधायक बना तो दिल्ली में खुराना जी की सरकार थी बीजेपी की, और केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मैं 2003 में विधायक बना तो मेरी ना दिल्ली में सरकार थी ना केंद्र में सरकार थी। मैं बगैर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में मेरी पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस क्षेत्र में कई हजार गलियों को सीमेंटेड किया है, पानी की निकासी के लिए छोटे बड़े नाले बनाए हैं, हमने इस इलाके में कम से कम 53-54 हमने बरातघर बनाए हैं, हमने कम से कम 16-17 प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस इलाके को दिए हैं। ये बताएं ना, इन्होंने क्या दिया है? ये पूरे चार साल में केवल एक बरातघर इन्होंने कब्जा किया, उसके जब हमने हल्ला किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उसके बाद फिर एक मोलरबंद में और बरातघर बन रहा है। ये बताएं ना, चार साल के अंदर ये केवल एक बरातघर के ऊपर कब्जा किया, उसके लिए दूसरे जो बगल में जो खाली जमीन पड़ी थी वहाँ एक बरातघर बनाया जा रहा है।
आप बताओ कहीं इसने कोई नया सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला हो, कोई प्राइमरी स्कूल खोला हो, कहीं गंगा जल की सप्लाई में कोई उसने बढ़ोतरी करवाई हो, DTC के बसें सारी बंद हो गई, आज पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया। क्षेत्र में कहीं अमन शांति नहीं है, पूरे क्षेत्र में चले जाइए आप, सब जगह गांजा और चरस बेची जा रही है, और विधायक उनके साथ मिला हुआ है, विधायक के परिवार के लोग उनके साथ मिले हुए हैं। इलाके में सारी जो, चाहे वो कानून व्यवस्था देख लीजिए, चाहे आप ट्रैफिक की व्यवस्था देख लीजिए, चाहे आप जो, अब जो मैंने एक ज़मीन खाली करवाई थी गगन विहार के सामने, जिसमें हॉस्पिटल बनना था 100 बिस्तरों का, उसके लिए मैंने पैसा मंजूर करवा दिया, आज तक ये 100 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण का कार्य शुरू नहीं कर पाए। उसके बगल में वहीं ओम नगर में जो बिजली घर बना है, ये मैंने ज़मीन खाली कराई और मैंने अपने समय में इस बिजली घर के निर्माण का कार्य शुरू किया, जिसका कई बार ये बड़ा श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको बताएं ना क्या किया इन्होंने 4 साल में, और डिबेट जहाँ चाहे वो मेरे साथ डिबेट कर ले। और मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि रामवीर सिंह भिदौड़ी और रामवीर सिंह भिदौड़ी के परिवार का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ने वाला है, ये मेरी कमिटमेंट है, आपके इस चैनल पर बोल रहा हूँ। इसलिए नहीं, मैं 11 साल विधायक था, मैंने इस क्षेत्र की जो सेवा मेरे से बन पाई मैंने की, और मैंने की, इसलिए नहीं कि कुछ भी, और जहाँ चाहे डिबेट कर ले। वो जोन लगा 2010 में नारायण दत्त शर्मा और जिस पार्टी में ये था वो पार्टी जिम्मेवार थी। सर आपसे एक आखिरी सवाल, जैसे कि आपने ट्रैफिक जाम की बात करी, तो नारायण दत्त शर्मा जी का ये भी कहना है कि जो जैतपुर मोड़ पर जो ट्रैफिक होता था उसके लिए उन्होंने बैरिकेड लगा दिए, और मीठापुर चौक का क्या नाम है गोल चक्कर उनके द्वारा किया गया है, और जो ट्रैफिक जाम को सुचारू रूप से चलाने का काम है पुलिस प्रशासन का है, और पुलिस प्रशासन जो है सांसद जी के अंडर में आता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, कुछ भी नहीं किया उसने, कहाँ आप मुझे बताइए, आप जाइए ना आपके मथुरा रोड पे, जैतपुर रोड पे जाके देखिए ना क्या बुरी हालत हुई पड़ी है। कौन इसके लिए जिम्मेवार है? अगर ये DTC की बसें जो इसने बंद करवा दी हैं, अगर DTC की बस चल जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था आधे से ज़्यादा अपने आप में ठीक हो जाएगी। अब वो कहते हैं कि उसके, कभी कहते हैं कि उसके अंडर MCD नहीं है, कभी कहते हैं कि पुलिस उनके अंडर में नहीं है। अरे रामवीर सिंह भिदौड़ी विधायक था, मैं थोड़ी कहता था कि दिल्ली में मेरी सरकार नहीं है, केंद्र में मेरी सरकार नहीं है, पुलिस मेरे अधीन नहीं है, नगर निगम मेरे अधीन नहीं है। मैं कहता था मैं MLA हूँ, मैं मालिक हूँ, और इलाके के लोगों की जो समस्याएं होंगी, चाहे दिल्ली में किसी की सरकार हो, केंद्र में किसी की सरकार हो, लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं उनकी समस्याओं का समाधान, चाहे वो दिल्ली की सरकार किसी भी पार्टी की हो, चाहे केंद्र में किसी पार्टी की सरकार हो, मैं उनकी समस्याओं का समाधान मैं करवाता था। मैं ये बहानेबाजी नहीं करता था कि पुलिस मेरे अंडर नहीं है। वो पुलिस कमेटी का मेंबर है, वो डिबेट करे मेरे सामने, पुलिस कमेटी का वो मेंबर है। जब पुलिस कमेटी की मीटिंग होती है तो बाकायदा जो एरिया के DCP उनके बगल में बैठते हैं, सारा कुछ जानकारी उनके द्वारा अगर पुलिस को नहीं दी जाती है तो आप इसमें बताइए, आप इसमें कहेंगे कि पुलिस मेरे अधीन नहीं है? तुम्हारे अधीन तो DTC भी तुम्हारे अधीन है, क्यों DTC की बसें बंद हो गई? तुम्हारे अधीन जल बोर्ड है, जो मैं जो गंगा जल लेकर आया उसमें कटौती क्यों हो गई, वो किसके अंडर में है? ये बहानेबाजी करना, और आज मैं विधायक नहीं हूँ, मेरे से डिबेट करो, मेरे से कामों की तुलना करो, रिकॉर्ड पे काम है। आपने कितने बरात घर बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने प्राइमरी स्कूल बनाए, कितने अस्पताल खोले? रामवीर सिंह भिदौड़ी ने तो बदरपुर में अस्पताल बना दिया, जाके देखो ना, 500 बेड का, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। 2004 में मैंने उसकी नींव रखवाई थी, मैं DDA का मेंबर था, मैंने 8 एकड़ ज़मीन उसके लिए दिलवाई थी, और बहुत सारी डिस्पेंसरी और छोटे अस्पताल मैंने बनाए। आप जाइए, मैं विधायक था ओखला फेज 1 फेज 2 में भी, वहाँ मैंने मजदूरों के लिए, वहाँ उनके लिए एक बढ़िया अस्पताल के निर्माण की नींव मैंने रखी, और मेरे समय में वो बन के तैयार हुआ। हमने हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, हमने लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, क्षेत्र में पानी की निकासी के लिए, लोग बगैर डर भय और बगैर कोई पैसा दिए हुए अपना घर बना सकें, ये सारी व्यवस्था हमने की थी अपने समय में। हाँ मुझे बताइए, किसी और ने किया क्या? ये मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं, और मैं फिर आज इनको ये बहुत कही अदब के साथ कह रहा हूँ कि आए RWS के लोगों को इकट्ठा करें, गांव के लोगों को इकट्ठा करें, और आपके चैनल पर डिबेट करेंगे।
आए अगर इनमें हिम्मत है तो डिबेट करें, आमने सामने बैठ कर हम डिबेट करेंगे। हाँ, कहीं मेरा कसूर होगा मुझे बताएं, और इनके टाइम में जो कुछ हुआ मैंने आपको बता दिया, जो हालात हैं।